और मैं आज बात करूँगा सिंगल लोगों की लाइफ कैसी होती है, कि हम सिंगल ऐसे हैं कि जो हमारे घर में जो कमरे हैं ना उसमें जो पंखे हैं ना वो बजाज के हैं, उषा के नहीं, हम ऐसे सिंगल हैं, ऐसे सिंगल हैं। तो हम जो हम सिंगल लोग हैं इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हम बंदी जहाँ जगह वहाँ बंदी ढूंढते हैं कि हमारी कोई सेटिंग करा दो, कोई सेटिंग करा दो, सेटिंग करा। हम हमने स्कूल की लाइफ जो जो चल रही थी हमारी उसमें हमने ये 10वीं सोचा था कि 10वीं पास कर ले, घर वाले पापा बोल रहे बेटा 10वीं पास कर लो और हम बंदी के चक्कर में लगे। तो हम टपक गए 10वीं टपक गए, हम 12वीं पहुंचे, हम 12वीं टपक गए, फिर हम कॉलेज पहुंचे और हम कॉलेज में ये मोटिव लेके आए कि हम बंदी बटाएंगे और हम सिंगल है उसका टैग हमारे नाम से हटाएंगे। तो हम कॉलेज पहुंचे, हम कॉलेज पहुंचे जो हमारे दोस्त थे वो हमसे हम एक दो साल तो टपक गए हम कॉलेज में पहले 10वीं 12वीं में। तो हम पहुंच गए हैं अब कॉलेज में और जो हमसे पहले पास होके बैठे वो हमारे सीनियर है। तो वो बोल रहे भाई चेतन आ गया कॉलेज, तो बोले तुम्हारे को बहुत टप्पे खा खा के आना पड़ा भाई कॉलेज, मना ऐसे ही है यार सिंगल लोग। तो हम आ गए हैं कॉलेज और वो बोल रहे भाई बंदी सेट करा, कोई बंदी बंदी सेट करा है? तो मैंने बोला भाई अभी तक सिंगल है, तुमने देखा ना हमारी शक्ल कैसी, चिले हुए गाजर जैसी, हमसे कौन सी बंदी सेट हो रही है यार, तो कोई से करा दो यार बंदी बंदी सेट। तो बोले चल भाई तेरा भाई बंदी सेट कराएगा। अब ये दो तीन बंदे मेरे को कॉलेज के गेट पे ले गए और बोले भाई अब तू यहाँ खड़े रहे, तेरी बंदी आज एक मिनट में सेट करवा दो। तो मैंने बोला भाई करवाएगा, तो बोले ठीक है। अब ये बंदे बंदी सेट करवा रहे हैं मेरे से और बोले भाई हर बंदे में अपना एक टैलेंट रहता है, नेचुरल टैलेंट रहता है, इससे स्माइल ऐसी होती है, किलर कुछ ऐसा होता है। तो बोले भाई तेरे पास भी ऐसा करता, उसमें से एक दांत बोलता भाई तेरा एक दांत टूटा हुआ है ना वो निकाल दो, उससे बहुत किलर स्माइल होती है तेरी। तो उन्होंने बोला क्या बात कर रही है यार, तो मैंने बोला ठीक है। और ये जो बंदा बोल रहा है दो तीन ऑलरेडी बंदी बटा चुका है, तो मैंने बोला कोई बात होगी भाई के बाद में। तो मैंने बोला ठीक है भाई। और बोले तेरा जो किलर वाला चश्मा वो भी निकाल ले, मैंने ठीक है भाई, मैंने बोला निकाल दिया। बोले भाई जैसे बंदी आए हंसी तो समझ लेना फंसी, कॉलेज की गेट से एंट्री बंदी मारे हंसी तो फंसी, नहीं हंसी तो कोई बात नहीं, मैंने ठीक है। अब मैंने पहन लिया मेरा चश्मा और निकाल लिया मैंने मेरा दांत, और जैसे पहली बंदी ने एंट्री मारी मैंने उसको दी पूरी स्माइल। तो मैंने बोला भाई ये तो हंसी, तो बोले भाई फंसी। तो मैंने बोला वाह यार भाई ये ट्रिक पहले क्यों नहीं बताई, 10वीं से 12वीं तक अभी तक सिंगल है। तो बोला भाई फंसेगी अभी, एक और आ रही है, एक और को स्माइल दे इस बार अच्छी से देना। मैंने ठीक है देता हूँ। तो इस बार एक और बंदी आई और मैंने उसको पूरी सही साइड स्माइल दी इस बार। तो ये तो भाई हंसी और ये पास भी आ रही है, वो यूं आ रही है पास आ रही है। और मेरे को लगा यार बंदी हमें किस करेगी, मेरा इंस्पिरेशन बहुत बढ़िया सेट हो गया और हंस भी रही, मैं किस करेगी। तो मैं यूँ होट को कर रहा हूँ, मैंने आज तक किस नहीं करी, तो मैंने बोला मैं होट को यूँ कर रहा हूँ भाई किस करेगी, वो मेरा बंदा पलट गया, वो जो दोस्त है वो सब पलट गया। तो मैंने किस करेगी, वो आई और यूं आ रही, वो यूं आ रही, यूं आ रही और यूं करके भर रही यूं। तो मैंने मेरे दोस्त को बोला इसका मतलब क्या, तो बोले वो बोल रही टॉयलेट करके आ। तो मैं क्यों टॉयलेट करके आऊँ, मैं तो ऑलरेडी करके आया हूँ, उसको बोल वो जाए टॉयलेट, मैं क्यों टॉयलेट करके आऊँ। तो बोले तू तीसरी बंदी आ रही उस पर ध्यान दे यार। तो मैंने ठीक है, फिर बिना मैंने मेरा चश्मा, बोले इस बार तीसरी बंदी आ रही है इसको सेट करना है, इसको तो नंबर लेना फिर। मैंने ठीक है, फिर मैंने उसको इस बार दी साइड। तो वो भी हंसी और निकल गई, ऐसे करके चार पांच बंदियां निकल गए और वो सब हंस रही। मैंने बोला सब सेट भाई, बोलो सब सेट है। तो बोले उसमें से एक बंदी जो दूसरे नंबर की मेरे को उंगली दिखा के गई थी, वो भाई मैडम प्रिंसिपल मैडम के पास, और बोल रही है कि मैडम एक बंदा है गेट पे चोटी वाला सड़ा था खजीला था, वो है ना वहां पे 31.5 दांत दिखा रहा है अपने, वो सब बंदियों को स्माइल कर रही है, सब बंदियों को स्माइल कर रही है। तो मैडम प्रिंसिपल मैडम भी भरी पड़ी, इनकी शादी नहीं हुई, ये भी लिपस्टिक बोल रही है। तो बोले मैं चलती हूँ, ऐसा कौन बंदा मेरे को देख के, तो तू मैडम आ रही है वो, और मेरा दोस्त बोल रहा प्रिंसिपल मैडम आ रही है उनको स्माइल। तो मैंने बोला वो तो बुढ़ी हो रही है उनको स्माइल देके मैं क्या करूंगा, तो बोले तेरे को क्या तू स्माइल दे। तो मैंने बोला ठीक है देता हूँ। तो अब मैं वो प्रिंसिपल मैडम आ रही है और मैं यूं खड़ा हूँ एकदम, प्रिंसिपल मैडम सर मेरे तरफ ही छलके आ रही है, और मेरे को ऐसा लग रहा है मैं या तो प्रिंसिपल मैडम में से सेट हो गई या वही मेरे को ही देख रही है। तो प्रिंसिपल मैडम मेरे तरफ आ रही है और एकदम आगे चल मेरे तक आ रही है, और मैं भी यूँ शाहरुख खान की तरह पूरी स्माइल दे रहा हूँ। तो मेरे को लग रहा है प्रिंसिपल मैडम अब मेरे को गोद में उठा लेगी, अब मेरे को ऐसी फीलिंग हो रही है। और प्रिंसिपल मैडम पास में आ गई और मेरे को जोर चाटा दिया। तो मेरे को अगले दिन पता चला मैं कॉलेज में आया कि मेरा भाई लोगों दोस्त लोगों मेरी रैगिंग कर रहे थे, और फिर मेरा था चूतिया भाग हटा। तो फिर मैं जिस दिन दो तीन दिन तो कॉलेज नहीं गया, फिर दो तीन दिन के बाद मैं कॉलेज गया तो सभी लड़के जो बोल रहे ये देख वही है जिसका दांत टूटा है ना, वो देख वो चोटी वाला वही है देख बोरा बोरा, जैसे पूरे कॉलेज में जिसको नहीं पता था उस बंदी को सबको पता चल गया कि भाई इसका दांत टूटा हुआ। उसके बाद मैं तीन दिन तक स्कार्फ पहन के गया मेरी बहन का कि भाई कोई पहचाने नहीं मेरे को, मेरा दांत पहन लेता हूँ।
कि जो हम सिंगल लोग हैं ना, ये हर चीज को जल्दी वो देख के जाने जल्दी अपनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अभी हमने अभी हम 3-4 1-1.5 महीने से तो बहुत खुश थे, सिंगल लोड है बहुत खुश थे। फिर सडनली एक गाना आ गया कि किसी और का हूँ फिलहाल, कुछ ऐसा कर कमाल कि मैं तेरा हो जाऊँ, किसी और का हूँ वो फिलहाल मैं तेरा हो, किसी और का हूँ मैं भी तेरा हो जाऊँ। तो ये गाना सुन रहे यार भाई, यार अक्षय कुमार का गाना है, भी प्रेम का गाना, हम भी प्रमोशन कर रहे हैं भाई, क्या गाना क्या गाना। फिर उसमें बोल रहा है किसी और का हूँ फिलहाल के तेरा हो जाऊँ। तो फिर हमने सोचा यार ये तो चुतिया बांट रहा है, इसकी तो ऑलरेडी सेटिंग है, और एक और सेटिंग का बोल रहा हूँ किसी और का हूँ फिलहाल पर तेरा भी हो जाऊँ। तुमने बोला यार हम तो सिंगल, हमारे गाने से क्या लेन देन, हम क्यों प्रमोशन कर रहे हैं इसका, और 2 दिन से तो हम भी गाना सुन रहे हैं। वो फिर उसके 1.5 महीने पहले हम इसलिए दुखी थे कि उससे पहले आया था पछताओगे, तो पछताओगे हम बोले बड़ा पछताओगे बड़ा पछताओ, वो टिकटॉक में गाने बना रहे, हम ही खुद बना रहे, भांग घुसड़ उतर के हम ही बना रहे, और बोल रहे पछताओगे, और वो जो बंदी जा रहा उसको बोल रहे बड़ा पछताओगे बड़ा पछताओ। फिर हमको 2 दिन बाद पता चला हम ही पछता रहे, हमारी तो कोई बंदी नहीं, हम तो सिंगल है, सीटिंग ही नहीं हमारी, तो हम तो सिंगल है, हम क्यों पछताएंगे, हम पछता रहे उस चक्कर में। उसके 1.5 महीने पहले हम इसलिए दुखी थे कि उसके पहले मूवी आई थी कबीर सिंह, उस मूवी ने हमारा इतना चुतियावा बांटा, इतना चुतिया पकड़ा कि हमने उसको चक्कर में 4-5 सिगरेट के डब्बे हमको लेकर रखना पड़ा। क्यों? क्योंकि भाई कबीर सिंह जो बंदा बनना है, आपको कबीर सिंह बनना है तो सिगरेट पीना जरूरी है, तो आपको 4-5 रखना जरूरी है जेब में, तो आपका हर बंदा 4-5 बोले कबीर सिंह बनना ना भाई, हाँ तो सिगरेट जरूरी है। अब इतनी पी रहे सिगरेट, इतनी पी रहे और लोगों तो होड़ भी जला रहा है कि उस चक्कर में दूसरी सिगरेट नहीं जलाना पड़ा, तो वही ठुड्डे भी पीछ रहे कुछ रहा, वो होड़ जला लिया अपने ठुड्डे के चक्कर में, इतनी सिगरेट पिए जा रहे हैं उस चक्कर में। अब कबीर सिंह बनना है तो नीट दारू भी पीना पड़ेगी आपको, तो आप भाजक नीट दारू पी के खुद के घर के सामने लात मार रहे, प्रीति प्रीति भारा, तो उधर से उसका प्रीति तू बाहर नहीं आई ना, तेरा बाप के टकले पे सिगरेट बुझा दूंगा। तो उतने उसकी मारे भड़ पे, तेरा बाप है, तेरा बाप पे टकला जला दिया तूने। तो फिर कबीर सिंह यहाँ फिर जला ही सिगरेट भाई, सिगरेट जला, सिगरेट बिना कुछ नहीं, कबीर सिंह बंदा है ना पल पल सिगरेट, भले यहाँ उसकी एटीएम की 12 बज गए पल पल सिगरेट चल रही है। अब सिगरेट जला दूसरे दिन पे भरचक नशे, 2 दिन तो प्रीति को ढूंढ रहे हैं हम, 2 दिन तो प्रीति को ढूंढ रहे भाई, प्रीति कहाँ है, सिंगल बंदा, बोले प्रीति प्रीति है, तो बोले तू सिंगल है प्रीति नहीं है। तो फिर वो 2 दिन बंदा प्रीति को ढूंढ रहा, तीसरे दिन फिर जा रहा है भरचक नशे कर लिया है, और एक करके सामने हो रहा है हर भी चट्टा 10 बार करा दे साथी फिर भी यही खड़े रहूंगा। तो वो उधर से चौकीदार बोल रहा है शर्मा है वो शर्मा, तो बोले हाँ शर्मा 10 बार करा दे साथी प्रीति की फिर भी यही आके रोज खड़ा रहूंगा। तो वो बोल रहा है चौकीदार बोल रहा है तू 3 साल भी आके खड़ा रहेगा तो कोई नहीं फर्क पड़ेगा। तो बोले क्यों 5 साल से घर बंद पड़ा हुआ। थैंक यू गाइस, थैंक यू।